हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज गार्डन एंड ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये प्लम बैगो का प्लांट है जिसे चित्रक के पौधे के नाम से भी जाना जाता है और ये थोड़ा सा रेयर प्लांट होता है। जल्दी से आपको हर नर्सरी में ये नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अगर कहीं भी किसी नर्सरी में ये मिलता है तो आप इसे ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करें, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्लांट नहीं है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जिसका बहुत सारी जो है औषधियों में प्रयोग किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन बनाई जाती हैं इस प्लांट से, छोटी से लेकर बड़ी बीमारियों में बहुत ज़्यादा इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो नॉर्मली हम अपने गार्डन में बहुत सारे प्लांट लगाते ही हैं, लेकिन अगर हम कुछ अच्छे प्लांट लगाएं तो वो उनकी बात ही अलग होती है। तो ये वैसे भी एक परमानेंट प्लांट है और एक हार्डी प्लांट भी है। बहुत ज़्यादा देख रेख की इसे ज़रूरत नहीं होती, कम देख रेख में भी आप इसे जो है अपने गार्डन में लंबे समय तक बना के रख सकते हैं। और हार्डी प्लांट होने के साथ साथ यही है कि ईजी टू ग्रो प्लांट है। और ये जो प्लांट है, आपने ज़्यादातर अगर आप देखें कभी तो शायद नहीं देखा है, तो अब मैं बता रही हूँ कि आपको ये रोड साइड में लगा हुआ दिखेगा। तो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं इसके, और लेकिन घर में भी इसको ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको पॉट में लगाया हुआ है, तो आप इसे घर में आसानी से जो है पॉट में लगा सकते हैं। तो और इसके अलावा ये बिल्कुल श्रब्स की तरह बढ़ते हैं, जैसे झाड़ियाँ होती हैं, और बेल की तरह भी आप इसे जो है बना सकते हैं। तो इतना ज़्यादा इस प्लांट का उपयोग है, बहुत सारे मेडिसिन में यूज़ होता है। और फूल की तो मैं अगर बात करूँ तो क्या ही कहूँ, इसके फूल आप देख करके समझ ही गएंगे। तो मेरा ये प्लांट अभी एक साल का नहीं है और आप इसकी फ्लावर्स को देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हैवी फ्लावरिंग हुई होगी इस पर। और ये फूल लगभग मुझे लग रहा है 2-1 दिन पहले के हैं, क्योंकि मेरे टेरेस पर जो है अभी तक ग्रीन एंड नहीं लगा है, तो फुल सनलाइट में ये प्लांट जो है वहाँ रखा हुआ था। और कल ही मैंने इस प्लांट को जो है देखा, तो इसकी फ्लावरिंग, क्योंकि टेरेस पर जाना ही पॉसिबल नहीं होता, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप होती है, तो मैं आज जो है इस प्लांट को नीचे लेकर के आई हूँ सिर्फ इसका वीडियो बनाने के लिए। हालाँकि इसके फ्लावर्स जो है बहुत सारे मुरझा गए हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन फूल ऊपर से नीचे तक पूरा प्लांट जो है ये भरा हुआ है। इतनी ज़्यादा काउंटलेस इस पर फ्लावरिंग होती है, गुच्छे में इसमें फूल आते हैं और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में। 3 कलर आते हैं इस प्लांट में, तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं, तो ये जो एक है ये सबसे कॉमन है, और इसे आप लाइट पर्पल भी कह सकते हैं या फिर स्काई ब्लू भी कह सकते हैं। इसके अलावा ये रेड और वाइट कलर में आता है, तो ये पूरा वाइट नहीं है, देखने में शायद आपको कैमरे में ये वाइट सा लगेगा और थोड़ा सा धूप का भी फ़र्क पड़ जाता है, तो हल्का सा ये पर्पल या फिर हल्का सा स्काई ब्लू कलर का है। तो इस तरह से सिर्फ इसमें 3 ही कलर आते हैं फ्रेंड्स। और आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी देख रेख और ग्रो के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी ग्रो करने की, कि कैसे हम इसे ग्रो करें। तो फ्रेंड्स, आप इसे कटिंग से जो है ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को आप बरसात के समय जुलाई अगस्त में लगा सकते हैं। वैसे तो आप इसकी कटिंग को कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन बरसात के समय जो भी कटिंग्स लगाई जाती हैं वो उनके सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक बार तो आपको इसे नर्सरी से ख़रीद कर लाना ही पड़ेगा, और बस उसके बाद जो है आप इसकी कटिंग से ढेरों सारे प्लांट बना सकते हैं। इसके अलावा जो ये प्लांट है, इसके नीचे से बहुत सारे जैसे कि प्लांट होते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, जैसे कि छोटा ये देखिए, यहाँ पर आप एक सेकेंड, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए इस तरह से ना इसके बिल्कुल नीचे से बहुत सारे इस तरह से प्लांट निकलते रहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं ना, तो इन प्लांट्स को निकाल कर के भी आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। और ये देखिए, एक ये निकल रहा है, तो ये नीचे से इस तरह से जो है न्यू प्लांट जो है प्रोड्यूस करता है, तो आप इन प्लांट्स को निकाल करके भी बहुत सारे प्लांट्स को बना सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे इसमें अभी ये 2 प्लांट रेडी हो रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है। ये देखिए, एक ये है और एक ये बिल्कुल देखिए, जबकि प्लांट बिल्कुल बीच में है और ये बिल्कुल इधर कॉर्नर में जो है निकला हुआ है। तो इन प्लांट्स को निकाल करके भी आप बहुत सारे प्लांट्स जो है बना सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप इसकी कटिंग से ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई करके भी प्लांट बनाता है, तो उन प्लांट्स को लेकर के भी आप जो है बहुत सारे प्लांट को बना सकते हैं। और इतनी सुंदर फ्लावरिंग मतलब प्लांट पर होती है, तो प्लांट इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो मेरा ये प्लांट आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो मुझसे नहीं गया। तो मैंने सोचा भले ही इसके फूल जो है मुरझा गए हैं, लेकिन मैं आपसे इसका वीडियो शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें।
अब हम बात करते हैं इसकी पॉट की। तो फ्रेंड्स पॉट तो अगर मैं कहूँ तो आप इसके लिए 10 से 12 इंच का ही पॉट लें, इससे छोटा पॉट इसके लिए आप ना लें, क्योंकि ये प्लांट बहुत ज़्यादा जो है फैलता है और आप इसकी जितनी प्रूनिंग करेंगे तो ये उतना और ज़्यादा फैलेगा। और तो अगर आप इस प्लांट को स्टार्ट करना चाहते हैं मतलब कि लगाने से, तो उस समय से आप जो है 10 से 12 इंच का ही पॉट जो है लगाएं, और उसके साथ साथ जैसे आपका प्लांट बड़ा होता रहता है आप उसको जो है बड़े पॉट में शिफ्ट करते रहें। अब बात करते हैं इसकी सॉइल की। तो सॉइल के लिए मैं वही कहूँगी कि आप इसके लिए वेलड्रिन सॉइल बनाएं, जिसमें आप एक पार्ट गार्डन सॉइल का ले लें, एक पार्ट आप उसमें रिवर सैंड यानी रेतीली मिट्टी का ले लें, और एक पार्ट आप उसमें कंपोस्ट का ले लें। कंपोस्ट में आप इसमें जो है घर की बनी ही कंपोस्ट का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक मेडिसिनल प्लांट है तो कई बार इसका यूज़ जो है हो सकता है करना पड़े, तो कोई भी केमिकल इसमें ना दें तो। और अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप दे सकते हैं, लेकिन कभी भी जो है ज़रूरत पड़ जाती है किसी भी चीज़ की, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप इसे सिर्फ गोबर की खाद ही दें, या फिर घर में बना जो भी आपका किचन वेस्ट वाला कंपोस्ट है तो वही दें, तो ये बहुत अच्छे से चलेगा। और केमिकल ना दें, थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इस तरह से आप जो सॉइल बनाएंगे वो बिल्कुल वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, जो जिससे ये प्लांट जो है लंबे समय तक जो है आपके गार्डन में बना रहे। अब बात करते हैं हम इसकी सनलाइट की। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप इसे फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि ये फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है, जैसे कि अब मई की गर्मी जो है ये मई की चल रही है, तो मई जून में जो है आप इसे सिर्फ मॉर्निंग की ही सनलाइट दें, और इसके अलावा जो है आप इसे पूरे टाइम जो है ऐसी जगह रखें जहाँ इसे 5 या 6 घंटे की सनलाइट ज़रूर मिले। बस बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में जो है आप इसको धूप से बचा कर रखें, जैसे कि इस टाइम मैंने आपको बताया ना मई जून की जो, बल्कि अप्रैल से जो है बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में ना रखें। तो देखिए ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से मेरा ये प्लांट थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि फूल भी थोड़े मुरझाए से हो गए हैं, और प्लांट की ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है, लुक वाइज भी वो है जो देखने में अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए जो है आप उसे उस टाइम की तेज़ धूप से थोड़ा सा अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग की मैं अगर बात करूं तो इस प्लांट को कंटिन्यू वाटरिंग की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको ओवर वाटरिंग फिर भी नहीं करनी है। आपको अपने प्लांट की सॉइल को जो है चेक करके वाटरिंग करनी है। आपको इसकी सॉइल जो है बिल्कुल मॉइस्ट रखनी है, लेकिन ओवर वाटरिंग नहीं, गीली मिट्टी बिल्कुल नहीं, सिर्फ मॉइस्ट यानी कि हल्की सी नमी उसमें जो है हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो इस तरह से आप इसको वाटरिंग करें। कंपोस्ट की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड आप इसे जो है वैसे तो महीने में एक बार कंपोस्ट दे सकते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है जिस समय फ्लावरिंग टाइम पर होता है तो आप इसे जो है 10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप घर में जो है काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के इसे दे सकते हैं, और या फिर इसके अलावा आप जो है आपके किचन वेस्ट में जो भी कंपोस्ट बनता है आप उसका भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके दे सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 10 दिन में एक बार देना है, और जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो अपने प्लांट की चारों तरफ से जो है अच्छे से, जैसे कि प्लांट है ना जब भी आपको इसको फर्टिलाइज़र देना है तो चारों तरफ से आप इसको क्या करना है, इसकी अच्छे से गुड़ाई करनी है, और उसके बाद ही जो है आप उसमें फर्टिलाइज़र दें। तो इस तरह से मुझे लगता है ये सारी बातें तो हमने कर ही ली कि इसको किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है। सनलाइट की बात भी हो गई, सॉइल की भी हो गई, और बस इस तरह से ही आपको अपने प्लांट की केयर करनी है। और आप अपने प्लांट पर अगर बहुत ज़्यादा फूल चाहते हैं, प्लांट को बहुत ज़्यादा घना बनाना चाहते हैं, तो प्लांट की जो है टाइम टाइम पर आपको क्या करनी है, प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग करने से आपका प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी बनेगा, और जितना ज़्यादा प्लांट घना होगा उसमें नए नए ब्रांचेज आएंगे और फिर फूल भी उतनी ही ज़्यादा संख्या में खिलेंगे। और जैसे ही प्लांट के फूल जो हैं सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, उन फ्लावर्स को आपको तुरंत हटाना है। बस ये काम तो आपको करते ही रहना है, और बस प्रूनिंग आप हमेशा करते रहें और ड्राई यानी स्पेंट फ्लावर को हटाते रहें, तो आपका प्लांट देखने में भी सुंदर लगेगा और बहुत घना भी होगा। इसके अलावा जब भी प्लांट में आप वाटरिंग करते हैं या फिर कंपोस्ट देते हैं तो आप अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करें, और गुड़ाई का काम आपको हर 10 दिन में करना ही करना है। इसके अलावा जो भी आपके प्लांट की जो सूखी पत्ती होती हैं या येलो पत्ती होती हैं उन प्लांट को जो है आपको हटाते रहना है। और इसके अलावा देखिए जो प्लांट में एक्स्ट्रा जो जैसे ही ब्रांचेस निकली है ना, तो अपने प्लांट को अच्छी शेप देने के लिए आपको इनको भी हटाते रहना है। तो मैंने अभी नहीं हटाया है क्योंकि मेरा अभी प्लांट जो है पूरे साल का नहीं हुआ है, तो अभी और अभी मुझे इसको रिपोर्ट भी करना था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरे अभी नहीं हो पाई हैं, लेकिन आप ऐसा ज़रूर करें। तो इस तरह से जो है आप अपने प्लांट की देख रेख करेंगे तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से जो है चलेगा।
और बस यही मैं कहूँगी कि इस तरह से आप अपने प्लांट को ग्रो करें, केयर करें, आपका ये प्लांट बहुत लंबे समय तक जो है आपके गार्डन में बना रह सकता है। और बरसात के समय आप जो है इसकी कटिंग को लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लांट इससे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे प्लांट की जो फ्लावरिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, लेकिन फूल थोड़े से मुरझा गए थे, तो मैंने वेट नहीं किया क्योंकि पता नहीं कल तक ये रहते या नहीं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो शेयर करती हूँ आपसे। तो बस फ्रेंड, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।